भाई पहले ये पानी बहुत ज़रूरी है, पानी रख लें। यहाँ बीच बना दिया तो भाई, इससे पहले भी मैं दो ब्लॉग पोस्ट कर चुका हूँ यहाँ पे नोएडा, बेसिकली दिल्ली से गोरखपुर को लेकर के। तो इस बार मैं फिर जा रहा हूँ दिवाली पे कहाँ, गोरखपुर, यहाँ नोएडा से बेसिकली। और इस बार ये ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि अभी तक जो हम जाते थे यहाँ से लखनऊ जाते थे, फिर हमने 27 पकड़ के गोरखपुर जाते थे, बट अब हम यहाँ पे इस बार पहली बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी यूज़ करेंगे। तो हम लखनऊ से आउटर रिंग रोड लेंगे और वहाँ से हम जाएंगे कहाँ पे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक नया हाईवे बना है बेसिकली NH है, वो भी वो कनेक्ट करेगा हमको कहाँ पे, NH 27 पे अयोध्या के पास। फिर वहाँ से हम अगेन NH 27 पकड़ के गोरखपुर जाएंगे। तो कैसा है पूरा रास्ता, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो भाई स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए ब्लॉग में। तो हम अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं और यात्रा स्टार्ट करने से पहले मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं, सामान वामान पैक कर दिया है। तो अगर आप गोरखपुर जाने का प्लान करने वाले हो तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो यात्रा स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज़ और रह जाती है, चलिए वो भी पूरी कर लेते हैं। अभी हम बढ़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ। अपन नोएडा से लगभग निकल गए हैं 2:15 बजे के आसपास। और एक जो चीज़ मैं अब नॉर्मली करता हूँ जो मैं पहले नहीं करता था, कि मैं भैया एक रडार करके है, कैप है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वो यूज़ कर लेता हूँ। इससे कि आप देखिए, अभी ये बता रहा है कि आगे स्पीड कैमरा है, तो आपको सुनाई दे रहा है जो बीप आ जाता है पहले डिस्टेंस से, पहले आपको बता देगा कि कितनी दूर पर स्पीड कैमरा है और उसकी क्या स्पीड लिमिट है। तो मेरा एक दो बार चालान कटा है जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, 2000 रुपये का चालान होता है, तो वहाँ पे इसका फ़ायदा मिल जाता है। तो आप भी ये ऐप का यूज़ करो तो एटलीस्ट कैमरे से काफ़ी टाइम पहले, ताकि आपको 1-1.5 किलोमीटर पहले पता लग जाता है। ये देखो इसने बता दिया कि आगे स्पीड कैमरा है, लिमिट 75 है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वाला बेसिकली जो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस है उस पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस ऐप की वजह से। दूसरा, अभी हम जैसे निकले हैं तो मैं रात को ड्राइव करना अवॉइड करता हूँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मैं रुकने वाला हूँ कानपुर में, तो रात में हम कानपुर में स्टे करेंगे और उसके बाद फिर हम कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे कानपुर से कहाँ, गोरखपुर के लिए, क्योंकि रात में थोड़ा सा ड्राइव करना मैं अवॉइड करता हूँ, सही नहीं होता। बाकी धीरे धीरे आपको अपडेट देते रहेंगे क्या है, कैसी रोड है। जैसे मैंने आपको बता दी, जो मेन पर्पज है वही दिखाना कि जो हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यूज़ करने वाले हैं और फिर वहाँ से जो नया वाला NH है वो यूज़ करेंगे टुवर्ड्स NH 27, फिर जो कि हमको अयोध्या में मिलाएगा, तो ये कैसा ओवरव्यू और कितना हमारा टाइम बचता है या लगता है, तो वो एक आपको आइडिया मोटी मोटा मिल जाएगा। खैर, गूगल मैप पे मैंने देखा था अगर डायरेक्टली उस रास्ते से मैं जाऊँ तो 12 घंटे दिखा रहा था, बट अभी जैसा मैं कानपुर होकर के जा रहा हूँ तो लगभग 13-13.5 घंटे उसने दिखाया, यानी कि 1 घंटा मेरा एक्स्ट्रा हो जा रहा है कानपुर के अंदर जाना और वहाँ से बाहर निकलने की वजह से। तो चलिए देखते हैं। ये तो आपसे ज्यादा वो बन रही है, मुँह छुपा ली मैं इसको, पूरे ब्लॉग में मत लेना। रोना नहीं चाहिए लड्डू यार। रो क्यों रही थी भैया लड्डू? पता है क्या आपको? नहीं। पता? कुछ बहुत बुरा हुआ होगा ना। खाना नहीं मिला था सुबह से, ले पपीता खा ले तू। इसलिए रो रही थी? नहीं, जूस पिला दो। अरे मैं गोरखपुर जाती तो मैं खुश रहती हूँ, रास्ते में खुश रहना चाहिए। है मम्मी? तो बकार तू दे खा ले। नहीं नहीं, चिप्स भी है मेरे पास, वेफर्स बड़े में, वेफर्स जब लास्ट टाइम में आया था उस हिसाब से मुझे लगता है कि रोड पर दोबारा काम हुआ है, एकदम बढ़िया लग रही है, वरना यहाँ पे थोड़े से खड़बड़ खड़बड़ टाइप का हो गया था। आपके लिए तो काम हुआ है, सूरज पांडे जी आएंगे। और अभी का अपडेट ये है कि हमने जो पहला टोल है जेवर वो क्रॉस कर लिया है, तो हम अगले टोल पे जा रहे हैं। तो अभी जेवर पे अपने कितने पैसे कटे मुझे नहीं पता, बट टोटल कितना टोल लगा वो सारी चीजें आपको एक साथ बता दूंगा, कि मतलब नोएडा से बेसिकली आप दिल्ली से आप गोरखपुर जा रहे हैं तो कितना टोल का खर्चा है वो मैं एक साथ टोटल आपको बता दूंगा। हालत हो गई है मोशन सिकनेस और ये बहुत ज्यादा बड़ा कलेजा करके हमारे साथ जा रही है। अगर इसने उल्टी किया तो पैसेंजर कम हो जाएगा गाड़ी से, फिर जो बाहर लोग हाथ दिखा रहे हैं ना उनको जगह दे देंगे। एक दूजे में डर के आशिकाना आयत बन गए मैं और तू। मेरे को भी पहले बहुत मोशन सिकनेस होते थे, मतलब वो लगता था कि मतलब मैं गाड़ी में बैठ ही नहीं सकता था। मुझे अगर कहीं भी जाना हो तो भाई मैं कैब ही बुक नहीं करता था, या तो ऑटो से जाऊंगा या ट्रेन से जाऊंगा,
मतलब बस में भी नहीं जाता था, मेरे को इतना तगड़ा मोशन सिकनेस होता था। तो इस चीज को मैंने कैसे ओवरकम किया, आप ड्राइविंग सीख लो। तो अगर एक बार आपने ड्राइविंग सीख ली और आप गाड़ी चलाने लगे तो जो मोशन सिकनेस है ना वो खत्म हो जाएगी। मतलब आप ड्राइविंग सीट पे बैठ करके देखो तो फिर आपका जो पूरा ध्यान होगा वो रोड पे होगा, तो फिर ये जो मोशन सिकनेस है ये वाली चीज आपके दिमाग में आएगी ही नहीं। तो आप लड्डू को गाड़ी कब दे रहे हो भैया? पति खरीदा होगा जहाँ जाएगी। अरे वाह पति। गाइस आपने कभी भूखा दानव देखा? जो आदमी भूखा होता है मैंने आज देखा, भूख के मारे बिलकता हुआ आदमी। खाना खिलाया जाए इन्हें। When anyone is hungry, he or she will become angry. तो ये बहुत नॉर्मल चीज है। कैसा लग रहा है गोरखपुर जा रहे हो आप? दिवाली पर घर जा रहे हो? बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो दिवाली मेरे को सारे फेस्टिवल में सबसे अच्छा फेस्टिवल दिवाली ही लगता है। दिवाली पर। और रही बात गोरखपुर जाने की, घर जाने की, तो दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो गोरखपुर में है। वैसा इसलिए क्योंकि भाई मेरा घर है, मुझे वहाँ अच्छा लगता है। तो गोरखपुर जाने की एक अलग ही फीलिंग होती है। क्या लाई हो? आलू गोभी की सब्जी और चावल दाल भात। पागल है क्या? गोरखपुर जा रहे। तो ये अब अपना दूसरा टोल आ गया है, टोल प्लाजा 500 मीटर अहेड। और यहाँ पे कितने पैसे कटे भगवान जाने। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई आज खाली मिल रहा है हमारे को, पता नहीं कैसे, नॉर्मली इतना खाली कभी मिलता नहीं है। अगले वीक दिवाली है तो मुझे लग रहा है आज के बाद से हो जा भाई। ये था अपना मथुरा वाला टोल। तो अब ये आ गया हमारा तीसरा टोल। किलोमीटर की अगर बात करूँ मुझे लगता है कि 200 किलोमीटर हुए होंगे। और ये खोल गया। इस तरह से हम पहुंच गए हैं इस आगरा। और अभी हम याला लेकर के हम मेन अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। तो उससे पहले हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, थोड़ा सा 15-20 मिनट का। पाँव को वैसे मतलब देखिए दिक्कत तो नहीं हो रही बट फिर भी एक बार रुकेंगे थोड़ा सा। आप कुछ कहना चाहेंगे? चाय पिला दो। मम्मी कैसा लग रहा है? मालिक जब इतना खर्चा गया तक नमकीन का पैकेट मिल गया। अरे बहुत कुछ तो प्लान हो रहे थे कि 2000 वाला डम करो। फूड कोर्ट है ऐसा वाला ब्लैक वाली पॉलिसी है। यहां पे फूड कोर्ट खुल गया है, पहले नहीं था ये। इमेलियन नया है आगरा वाले जैसे टोल क्रॉस करते हैं, पहले यहाँ पे खूब सारे दुकानें हुआ करती थी, सब बैरिकेड कर दिए। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ करोगी और किनारे क्या करोगी। ओ भाई रोग रखी थी पानी। गाइस ये लड़की बीमार। और भाई अपन ये पहला ब्रेक लेते हुए, तो जैसे यहाँ से एग्जिट लेंगे ना यहाँ पर ये कि नया फूड कोर्ट खुल गया है। पहले तो यहाँ पे खूब सारी दुकानें लगी रहती थी, ये पूरा ब्लॉक कर दिया इन्होंने और ये फूड कोर्ट लिख दिया। तो मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लग रहा लास्ट टाइम मैं मई में आया था शायद, तब ये नहीं था, ये अभी नया बन गया यहाँ पे। तो चलो एक बार देखते हैं कि ये फूड कोर्ट कैसा है। तो यहाँ से एग्जिट लेते हैं, यहाँ पे टॉयलेट भी मंगा रखा है। ये हो गई हमारी पार्किंग। अरे कुछ इस तरह का है फूड कोर्ट। चाय मिल जाएगी क्या? चाय मिल जाएगी। हाय गाइस चाय पीने जा रहे हैं। मालिक ने पर्स दे दिया है मालकिन को, मालकिन चाय पिलाएगी बड़े बड़े बोतल में। कुल्लड़ वाली चाय पिएंगे मालकिन। मालकिन कुल्लड़ वाली चाय पिलाएंगी। ऑर्डर दो दिखा रही बीच मांग। इन्हें क्या मिला? दे दो ये तो देख, दिखा दो। दे दो गोल्ड जोमेटो गोल्ड नहीं है, इतना खुश हो रहे हो। तीन उसी को दे दिया आप, बड़ी वाली है। बड़ी वाली मुझे दे दो। मैं वही तो है पागल। तेरी कितनी हो गई? 4। को कितनी मिली? आपकी कितनी होगी? इसको हो गई 4। तो आपको कितनी मिलेगी?
दो आपकी, और तीन मेरी बीवी की, दो मेरी। मालिक टॉफी, मालिक बहुत हो गया है, मालिक टॉफी। यार बाय गाइस, भैया के लेमन टी बनी है, लगा भैया को धोखा मिला है। ये आ गई हमारी लेमन टी, और बड़ा नमकीन का है, मेरा वाला नमकीन का। ये तो हमने लिया था, नाम भी पता है इसका। ये मेरी बहन है, इसको हम लड्डू बोलते हैं, इसका नाम प्रिया है, सामने था लगा नहीं, ठीक है। तो इसको लगी उल्टी, और इस लड़की ने आधे घंटे तक उल्टी अपने मुंह के अंदर करके रखी। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, झूठ मत बोलो। कितने देर तक किया आपने? वही गाड़ी तो स्टार्ट हुआ ना, गाड़ी भी तो आ रही थी, भाभी ने पूछा खा रही थी, छिछुछ से आवाज आई, छिछुछ ना, तो अचानक से हो गया है। तब ये बोली नहीं, भाभी को उल्टी करी थी। तो निकलने से पहले भाई थोड़ी स्ट्रेचिंग अपन कर ले रहे हैं। ये लोग रोक दी गाड़ी, मुझे छोड़ के नहीं गए। अरे मुझे छोड़ के चले जाओ, मुझे नहीं आना है। ये यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट, यहाँ से ले लिया हमने लेफ्ट, ये लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए। आँखों से हुई यारियाँ चलते चलते यूँ, मेरी आँखों ने तेरी आँखों से आप बीती गई। कुछ जैसे चमूतिये आते हैं, बताओ रॉन्ग साइड आ रहा है ट्रक लेकर। तो ये जो इस टोल की सबसे खास बात यही है कि भाई एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है, यानी कि एक बार में यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे और सीधे ये टोल कहाँ लखनऊ स्टेप में एग्जिट करो, बीच में कोई भी टोल नहीं पड़ेगा, पैसा पूरा ही एक बार में काट लेंगे। बट जैसा कि हमारे प्लान में चेंज है, हम क्या करेंगे, हम कानपुर में एग्जिट लेंगे, रात हम कानपुर में बिताएंगे और फिर कल सुबह हम निकलेंगे। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है ये अपना आगरा लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे, और ये आ गया इसका स्टार्टिंग वाला टोल, ले रहे हैं एंट्री। देखो कंपैरेटिवली जो यमुना एक्सप्रेसवे वाला जो टोल है ना, उससे कम टाइम यहाँ वालों पे लगता है। तेरी आँखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े, मेरी आँखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी। मेरे ऐप ने मुझे पहले बता दिया कि सामने वाला स्पीड कैमरा है, देखो ये अपना कैमरा है और ये अपनी स्पीड बहुत सही कैलकुलेट कर रहा है, 72, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अपन इससे इसलिए बचे क्योंकि अपन ने जैसे मैंने कहा ना रडार बॉट करके वो ऐप लगा रखी है, तो पहले ही बता देता है कि आगे कैमरा है, स्पीड अपनी कम कर लो। पर गलती से आप 100 के ऊपर चले गए तो भाई 2000 रुपये का चालान आपका तुरंत आ जाएगा, फिर आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। और इसी तरह से आप चालान से बच सकते हो। लेफ्ट वाले कुछ जल रहे हैं, राइट साइड वाले तो बिल्कुल जल ही नहीं रहे, और लेफ्ट वाले में भी कुछ फ्यूज है, क्या है भगवान जाने। बट अभी जब दोनों तरफ जलते हैं ना तो काफी सही लगता है। और यहाँ हल्की हल्की धुंध, अगर थोड़ा दूर देखोगे ना विजिबिलिटी कम है। अब ये पता नहीं क्या है, पॉल्यूशन की वजह से है या हल्का हल्का कोहरा है क्या है, बट थोड़ी सी विजिबिलिटी में मतलब ऐसी कमी सी लग रही है। और हम अपनी मंजिल की तरफ और आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए, और जैसा कि अब रात हो ही गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा मैं लाइट जला दूँ, आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही होगी, अब हो सकता है आपको मेरी शक्ल दिखाई दे रही होगी थोड़ी बहुत। तो अभी भी हमारे को कम से कम 180 किलोमीटर कुछ और जाना है, और 180 क्योंकि मैंने कैसे कहा कि आप कानपुर स्टे कर रहे हैं, चाहूँ तो मैं लगातार गोरखपुर तक गाड़ी दबा सकता हूँ, अपनी कैपेसिटी है, बट मैं रात को ट्रैवल करना थोड़ा अवॉइड करता हूँ, कई रीजंस होते हैं, अभी गाड़ी पंचर हो जाए कुछ ऐसा हो जाए तो रात में कहाँ क्या दिक्कत होगी। और फिर मतलब दूसरी बात जो लखनऊ वाला जल वाला हाईवे भाई, उसकी जो रोशनी ना आँखों में लगती है, तो मेरे को पर्सनली दिक्कत होती है थोड़ी सी विजिबिलिटी रात को लेकर के, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ रात में हाईवे में चलाना। ये 300 मीटर आ गया हमारा, अब हम याला एग्जिट ले लेंगे कानपुर की तरफ, और ये ले लिया हमने इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट कानपुर के लिए। तो फिर अब हम आ गए कानपुर, और अब हम कर रहे हैं अपने खाने की तैयारी।
कौन गिरा है? हाँ। इसने कौन गिरा है? अभी आगे देखो ये आ गई। मैं लड्डू नहीं गिराया था इसलिए पूछा मार रही है। तो ऐसा अगर आपको साला बनना है जो भी वीजा से काम करवा ले वो भी इतने बढ़िया से, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए आप उनको कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगा। तो क्योंकि वहाँ ग्रेवी बन गई है, बस अंडों को डालेंगे ग्रेवी में, बन जाएगी बढ़िया अंडा करी। चावल वहाँ पे भिगो दिए हैं, तुरंत अभी चावल बन जाएंगे। पराठे और रोटी हम घर से ही बना के लाए थे। अरे जीजा अबे तुम का दिमाग खा जा छोड़ करते यार। बढ़िया बढ़िया। और पल्लू कैसी थी रसमलाई जो मैं तेरे लाया था इतने अच्छे से? जीजा लाए थे। चल मेरे प्यारे बेबी रोड पे इतना ज्यादा मुझे बोला भी चला जूनियर से दो आउटफिट लाऊंगा फिर मेरी गर्ल बच जाना। तिवारी है तिवारी तिवारी तो वो बोलते हैं करेंगे नहीं। भाई एकदम सुबह सुबह उठ गए अपन, और अगर मैं टाइम की बात करूं तो अभी देख लो आप 4:46 हो रहा है, तो 5 बजे जैसा निकलने का प्लान था 15-20 मिनट लगेगा खाली मुंह धोना है। तो उससे पहले मैं सोचा कि गाड़ी में जो सामान हमने निकाला था वो टिका दें, चद्दर उद्दर रख दें, और जो सबसे मेन काम करना है वो ये, तो जो गाड़ी का शीशा मैंने आपको दिखाया था कितना गंदा हो गया भाई, सब कीड़े मर गए। अगर आप देखोगे सामने जैसे कीड़ों की हत्या हो गई है, शीशा हमारा बहुत गंदा हो गया है, तो बस ये शीशा समय सबसे पहले साफ कर लेना है। वो कपड़ा जो धोया था वाला दे दे। लो। जीजा को छोड़ के जा रहे हैं। जीजा, जीजा कैसे रहेंगे आपके बिना? हम लोग गोरखपुर जल्दी आ जाना जीजा। चलो जीजा लखनऊ ले चले आपको। और मैप हमारा दिखा रहा है गोरखपुर पहुंचने के लिए 7 घंटे 7 घंटे 13 मिनट में हम पहुंचेंगे मैप के हिसाब से। तो अगर हम सीधे जा रहे होते तो हम क्या करते, जो हमारा एक्सप्रेस वे है वो हमको ले जाता और आउटर रिंग रोड पे कनेक्ट कर देता, और ये भी मैप अभी हमारे को बीच में NH-27 मिलेगा वो लेकर के जाएगा लखनऊ के आउटर रिंग रोड पे कनेक्ट करेगा, और फिर वो आउटर रिंग रोड से हमने बताया कि हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में, और फिर वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से हम एक नया हाईवे पकड़ेंगे जो हमारे को ले जाएगा अयोध्या, और फिर अयोध्या से हम फिर NH-27 पकड़ के गोरखपुर। ए धूप किनारा तेरा हुआ मैं सारा का सारा देख ले। और ये अब हमने पकड़ लिया लखनऊ का आउटर रिंग रोड। तो अगर आप, मैं थोड़ा सा आगे वाले स्ट्रेस में हूँ, तो अगर आप आते हो सीधे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से थोड़ा पीछे आते उसके बाद में वो आपको आगे यहीं में मिलता, और काफी अच्छा है लखनऊ आउटर रिंग रोड भी आप देख सकते हो एकदम, आपको मतलब एकदम नया नया बना हुआ लग रहा है मेरे को, मैं पहली बार इस पे चल रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा था कि मेन वीडियो बनाने का पर्पज ही यही था कि इस बार मैं नया रूट लेने वाला हूँ। तो नॉर्मली क्या होता था कि भाई सीधे पॉलिटेक्निक होते हुए NH-27 पकड़ करके हम सीधे बाराबंकी फैजाबाद होते हुए मतलब अयोध्या होते हुए गोरखपुर निकल जाते थे, बट इस बार जो चेंज है ये कि सबसे पहले तो हम ये लखनऊ आउटर रिंग रोड लेंगे। रोड आप देखो एक नंबर है, बहुत ज़्यादा शानदार है, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है, और ये हमको ले जाके मिलाएगा कहाँ सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में। तो चलिए थोड़े से इस रोड के नज़ारे दिखाते हैं, फिर आपसे मिलूंगा कहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में, या तो उससे पहले अगर हम कहीं अगर रुकते हैं गाड़ी में तेल वगैरह डालाने के लिए या कुछ चाय पानी पीने के लिए तो वहाँ पे फिर आपको अपडेट करूँगा। रोड के नज़ारे लीजिए। और अब हमने ये जो आउटर रिंग रोड है यहाँ से ये एग्जिट ले लिया है सर्कल के थ्रू। मेरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में भी पहली बार ही है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, और देखते हैं यहाँ से आगे तक कैसा है। अब यहाँ से भी हम जा रहे हैं सीधे, और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के बाद हमारे को मिल जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। थोड़ा सा भी 3.5 किलोमीटर हम इस पर चलेंगे चाबे, बेसिकली यहाँ से हमने सर्कल लिया वहाँ से 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर हमारे को इस रोड पे चलना है और फिर हमारे को मिल जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। बज रहे हैं और अपन आ गए हैं
और ये हमने चाय हॉल्ट करके यहाँ पे मिल गया है। तो ये लगभग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो हम पकड़ेंगे उसे 2 किलोमीटर पहले ही है लेफ्ट साइड में। तो मैंने सोचा कि भाई पता नहीं एक्सप्रेस वे पर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा और उसके आगे कहाँ क्या मिलेगा, तो काफ़ी लेट हो जाता। तो हमने सोचा कम से कम चाय और कुछ भाई साहब जो जोकर है मेरे हाथ में ना गोप्रो है, माँ कसम लोग को चलाने ही नहीं आ रहा, कभी बंद कर दे रहा है कभी चला दे रहा है। देखा है गोप्रो, हमें चलाने नहीं आ रहा, सुबह से रात तक हम ही लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आदमी से बात करते हुए उसका पेट रिकॉर्ड करते हैं, उसकी टांगे रिकॉर्ड करते हैं, अब आपको फुटेज में दिख जाएगा। गाड़ी चल रहा है तो चेक ही होगा खड़े खड़े। और लड्डू क्या हालचाल है? लड्डू ने अब तक सुबह से उल्टी नहीं करी है। इधर तो क्या कहना चाहेगी, चाय मिल जाएगी भैया? हाँ मिल जाएगी ना। कितनी? 1, 2, 5 चाय लगा दो। और बन मक्खन कौन कौन? 2, 3 मम्मी लोगी ना? हाँ नहीं, 4 बन मक्खन कर दो। और लड्डू यहाँ पे अपनी प्रॉपर पोजीशन लेते हुए, लड्डू कर क्या रही है? वो हर जगह बैठ रही है, खा रही है, सो रही है, कर क्या रही है? गाड़ी में सोई? नींद आ गई? पता नहीं चल रहा था, आधा गाना बज रहा है, फिर आपके झटके लग रहे हैं। अच्छा हम लोग चिल्ला रहे थे, क्यों नहीं बोल रही थी? क्योंकि इसने ईयरफोन्स लगा रखे थे, मैं गुस्सा कर रही थी। अभी लम्बा करूँगा तेरे को। तो अभी ये छोटू ना लंबा करेगा तेरे को। क्या बन मक्खन? मक्खन में बन है, देखो जरा मक्खन बन मक्खन नहीं दिख रहा है इस वाले में। वो जो हम बाहर से खाते हैं ना, वो बहुत अच्छा बनाता है, लखनऊ वाले बनते हैं ना। चलो पल्लू को दे दो। गाइस नाश्ता हो गया है, अब हम जा रहे हैं वापस से बैठ। सारा पैर चिरमुड़ा जा रहा है, बैठने का मन ही नहीं कर रहा है। ऊपर से बड़े लोग की गाड़ी है, कुछ बोलेंगे तो उसी में धुन दिए जाएंगे। अच्छी तो मैं लग ही रही हूँ, मेरी भाभी क्या कर रही है। और अब हम जा रहे हैं वापस गोरखपुर, जा रहे हैं गोरखपुर। अभी फोटो वोटो होगा ना, वह हमारे भैया की ऑडी या हमारी ऑडी है? ऑडी खाली मेरी। चाय पानी पी के एकदम टन चो करके एकदम जिसे कहते हैं एनर्जी लेकर के निकल चुके हैं। 1.7 किलोमीटर रह गया है, तो यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर पहले था ये, और 1.7 किलोमीटर के बाद अपन पकड़ लेंगे क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ से हमने पकड़ लिया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। खैर मुझे लगता है अभी ये वाला जो स्ट्रेच आ रहे हैं ये बहुत थोड़ा सा अपन टच करेंगे। मुझे लगता है जब मैं अगली बार आऊँगा तब तक हमारा गोरखपुर जो लिंक एक्सप्रेसवे वो बन जाएगा। तो अपन जाएंगे इससे कहाँ तक? आजमगढ़ तक, जहाँ से वो स्टार्ट होएगा, नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, तो फिर वो वहाँ से मिलेगा। तो अभी ये कहाँ तक जा रहा है और फिर वहाँ से आगे कैसी रोड है वो सारी मैं आपको अपडेट करूँगा। भाई ये भी लगभग एकदम मेरे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और मतलब अगर गोरखपुर तक भाई ऐसी रोड हो जाए नोएडा से तो क्या ही मज़े आ जाएंगे। तो खैर अब हमको यही चीज़ मिलने वाली है आपको सीधे, आप दिल्ली बैठिए कुछ टाइम बाद। लगता है कि भाई दिसंबर एंड हमारा जो लिंक एक्सप्रेस वे वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो गोरखपुर बैठे एक्सप्रेस वे, इसलिए मैंने नोएडा से एक्सप्रेस वे पकड़ा और सीधे गोरखपुर तक। वाह मोदी जी वाह। तो गाड़ी की अपनी स्पीड मस्त 100 पे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहीं जो वो NS 27 वाला है उस पर बहुत दिक्कत होती है भाई। अभी आगे चल के थोड़ा सा अपने NS 27 पे चलाना ही है, बट उसको जितना ज़्यादा अवॉइड कर सके उतना बढ़िया है। और कुछ समय बाद तो बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे NS 27 पे। तो चलिए अब अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये अपना एंट्री वाला टोल आ गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। तो यहाँ पे कितना पैसा कटा ये तो मुझे भी मतलब बेसिकली कटेगा मुझे नहीं पता, बट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे कि जो हमने एग्जिट लेंगे अपना वहाँ तक हमारा कितना पैसा कटा है। जले आ जा दोनों ऐसे मिले सभी पे लागे ना तेरे ना मेरे पास।
निकलना है कहाँ, गोरखपुर, ये हमने पकड़ लिया और अब हम चलते हैं इस पे और लगभग 46 किलोमीटर सीधे इस पे चलना है, फिर वहाँ से हमारे को एक राइट टर्न दिखा रहा है। ये हाईवे शेप भी बना है तो रोड तो बढ़िया है, इसमें गड्ढे गुड्ढे तो नहीं है, बस यही है कि अगल बगल घर है तो लोगों का अप्रोच काफ़ी ज़्यादा है, क्रॉसिंग लोग रॉन्ग साइड भी इसमें काफ़ी मिलेंगे आपको, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान देकर के यहाँ पे हमारे को चलानी है। तो इस रोड के भी थोड़े से नज़ारे देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। और फिलहाल 45 किलोमीटर अपने को इस पर चलना है, उसके बाद में मुझे लगता है कि हमारा जो अयोध्या आ जाएगा लगभग 45 किलोमीटर बाद। दीवानगी मेरी ना मारेगी आवारगी मेरी के मारे। और ये अपन आ गए पेट्रोल पंप, देख तो टंकी फुल कर दो, डीजल है ठीक ना। तो इससे पहले भी जो मैंने दो ब्लॉग डाले थे उसमें एक जो लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई तेल कितना लगा, तो खैर ये हर किसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो खैर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कौन सी है, पेट्रोल है या डीजल है, पेट्रोल में कौन सा है, नेचुरली एस्पिरेटेड है या टर्बो है या फिर CNG है। तो खैर मेरी ये जो वेन्यू है अगर आप देख रहे हो तो दिस इज़ वेन्यू डीजल 1.5 और मेरे को लगभग इसमें 20 का माइलेज मिल जाता है, तो अगर आप 800 किलोमीटर पकड़ लो मोटी मोटा और उस हिसाब से 40 लीटर डीजल लग जाते हैं। और जो डीजल का रेट है आज का, अगर मैं आपको रेट दिखा दूँ, पर डीजल का रेट क्या आज का, 88.53। तो यहाँ पे अभी आज 88.53 का रेट है, मोटी मोटा आप 89 पकड़ लें, 90 पकड़ लो तो 90 के हिसाब से 3500 रुपये का डीजल लग जाता है मेरा दिल्ली से, बेसिकली नोएडा से गोरखपुर के लिए। तो चलिए हम अपनी टंकी फुल करा लें। तो मैंने चलने से एक दिन पहले टंकी फुल करा ली थी और अभी उसके बाद मैं यहाँ आकर के मैं फुल करा रहा हूँ, तो लगभग 180 किलोमीटर और रह गया है और अभी भी गाड़ी में मतलब 120 और दिखा रहा था कि जा सकती है गाड़ी। कहाँ से एंट्री लोगे भाई, सिर्फ एक चल रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या पता समय के हिसाब से चलाते हो, आदमी कम हो इनके पास और पैसा ज़रूर चाहिए। ले लो भाई तुम भी ले लो, तो कितने पैसे कटे ये डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख चुके होगे। जय है अयोध्या, बोलो सियापति रामचंद्र की, जनक जननी सीता मैया की जय। और भैया यहाँ बैठ जाता है डेढ़ मतलब 150 किलोमीटर है 149 और 3 घंटा 14 मिनट, और इसका पीछे कारण क्या है भैया, यहाँ से ऐसी ही रोडें मिलने वाली हैं, ऐसा ही ट्रैफिक और ऐसे ही लोग पागल सीधे उल्टे सीधे कहीं से भी आते हुए लोग। और ये ठीक ठाक भैया अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है और ट्रकों की भीड़ है, इसीलिए ये 1.5 घंटे हमारे को मतलब इसीलिए ये 150 किलोमीटर में 3 घंटे 3.25 घंटे लग रहे हैं, इसीलिए यही वाला जो स्ट्रेच है मुझे बहुत खराब लगता है। तो NH 330 एक टोल के एग्जिट के बाद, ये हमारा NH 27 का पहला टोल आ गया जो हमने अयोध्या के बाद से लिया है टुवर्ड्स गोरखपुर, और इस टोल पे हमारे कितने पैसे कटे हैं ये भी डिटेल आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी। तो अब हम आ गए हैं ये सूर्या ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको मिलता है चाय नाश्ता एंड लंच एंड डिनर, तो हम क्या करेंगे नाश्ता, तो चलिए नाश्ता करते हैं और देखते हैं नाश्ते में क्या मिलता है। आलू पराठा या प्याज पराठा? आलू पराठा मालिक। आलू प्याज कितना बड़ा होगा तो मैटर करता है, देखते हैं। काम करो 3 पराठे लगा दो, दाल मखनी दाल तड़का पनीर का पनीर, दो प्याज चिली पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर, कुछ कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, कुछ मैडम क्या ला दूं? जो आपका बेस्ट है, दो कप चाय लगवा। और ये हमारे पराठे आ गए हैं, करारे पराठे, भाई पराठे अपन ने खा लिए और यहाँ से घर रह जाता है लगभग 111 किलोमीटर और इसके हिसाब से हमारे को लगेंगे 2 घंटे 29 मिनट
तो आगे मतलब बहुत जाम है और मुझे लगता है शहर में भी जाम मिलेगा जो भी। और ये आ गया हमारा इस रोड का जो दूसरा टोल है वो बस्ती वाला। यहाँ पे कितने पैसे कटे ये भी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। जहाँ तक मुझे याद है शायद 90 रुपए कटते हैं इस वाले टोल पे। एग्जैक्टली कितने हैं वो डिटेल मैंने स्क्रीन पे डाल दी होगी। देख ही सकते हो रोड पे मतलब दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, भगवान कसम से धीरे 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 धीरे, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेच पे पूरा जाम लग जाता है। मतलब बेसिकली स्लो ट्रैफिक रहता है और इस तरह लगभग कुछ घंटों और क्लच ब्रेक करते हुए हम लोग गोरखपुर ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। और भाई हम पहुंच गए फाइनली अपने घर। तो भाई लोग फिर फाइनली क्लच ब्रेक करते हुए अपने पाँव की ऐसी तैसी कराते हुए और भाई गोरखपुर के इस ट्रैफिक को चीरते हुए हम घर पहुंच चुके हैं। पाँव में मतलब घुटने में काफ़ी दर्द हो गया, तो जितना दर्द मुझे मतलब अयोध्या तक नहीं हुआ पहुंचने में उससे ज़्यादा दर्द यहाँ तक हो गया। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ बट मैं आपको बता रहा हूँ भाई बहुत गंदा ट्रैफिक था, क्योंकि हम लोग का एक तो टाइम भी ऐसा फंसा और ट्रैफिक तो खैर था ही गंदा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी आई होप मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी होगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की, बेसिकली जो मेरा पर्पज़ था रोड दिखाने का कि मतलब जो नए रूट से हम आ रहे हैं वो कैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से आओ, एकदम सब सही है। बाकी अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल पर नए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।